मुझसे आगे बढ़ रहे हैं। भारतेंदु मंडल के लेखक, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता कई बार कि निम्न में से भारतेंदु मंडल के लेखकों में कौन है या कौन नहीं है, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। इनको जरूर ध्यान में रखें। भारतेंदु मंडल क्या है? भारतेंदु के समकालीन कवियों का एक समूह है जो भारतेंदु की तर्ज पर कविता करते हैं, भारतेंदु के पक्ष में कविता करते हैं, उनके कहे अनुसार या उनके सुझाए विषयों पर, विशेष करके ये लोग जो है समस्या पूर्ति जैसी चीज को स्थान देते हैं। समस्या पूर्ति भारतेंदु काल की एक बड़ी विशेषता रही है। समस्या पूर्ति में होता क्या था, एक पंक्ति दी जाती थी कोई भी कविता की और उसके बाद कवियों पर छोड़ दिया जाता था कि वो इसको कैसे पूरा करेंगे। हालांकि ये समस्या पूर्ति जैसी जो है काव्य विधा पहले से मौजूद थी। रीतिकाल के कवियों ने और मध्यकालीन कवियों ने इसका जो है अपने आप को अच्छे दरबारी कवि के रूप में स्थापित करने के लिए खूब इस्तेमाल किया है। मध्यकाल के बहुत सारी उदाहरण कविताओं के ऐसे मिलते हैं जो समस्या पूर्ति से सामने आते हैं। भारतेंदु युग में भी इस चीज को आगे किया अपनाया गया। समस्या पूर्ति को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु मंडल के सदस्य जो भारतेंदु के समकक्ष कवि थे या भारतेंदु के आसपास के कवि थे या उनकी कविता से प्रभावित कवि थे या उनको अपना अग्रज मानते हुए, उनको अपना पुरोधा मानते हुए जो लोग रचनाएं कर रहे थे, ऐसे कुछ विशेष लोगों का एक समूह था जो भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। बाकी लोग भी चेक कीजिए प्लीज, आवाज क्लियर है मेरी? क्लियर है मेरा तो सर। क्लियर है वही, तो मुझे नहीं लगता है कुछ प्रॉब्लम होगी। मैम एक बार है ना लीव करके वापस रीजॉइन कीजिए। ओके, तो एक पंक्ति के बाद में एक कविता की रचना करना, एक छंद का निर्माण करना और अगले दिन उसको प्रस्तुत करना, जो सबसे अच्छी कविता की रचना करता था उसे एक पंक्ति के द्वारा सब लोग जो है उसकी सराहना किया करते थे। एक कवि के लिए कसौटी हुआ करती थी, एक कवि को कवि की प्रतिभा को पहचानने की एक परीक्षा हुआ करती थी समस्या पूर्ति से। भारतेंदु युग में भी मध्यकाल की तरह समस्या पूर्ति जो है वो एक बड़ी विशेषता बनकर के उभरती है और भारतेंदु मंडल के लोग जो है, भारतेंदु के इस साहित्यिक परिषद के सदस्य जो है, वो लोग बड़े चाव के साथ में समस्या पूर्ति में हिस्सा लिया करते थे। क्लियर? समस्या पूर्ति एक एक तरीके की कविता करने का एक पैटर्न समझ लीजिए ना, एक पंक्ति दी जाती थी कविता की, उसके बाद में उस कविता को पूरा करके लाना होता था जब भी अगली मीटिंग होती थी उनकी। अब कसौटी ये हुआ करती थी कि इस कविता को एक विषय पर आधारित होना चाहिए, जो विषय दिया जाता है उसे एक विषय पर आधारित होना चाहिए और दूसरी चीज छंद के नियमों इत्यादि का पालन किया जाना चाहिए, भाषा के स्तर पर भी वो अपने आप में श्रेष्ठ रचना हो। ऐसी बहुत सारी जो है समस्या पूर्ति की रचनाएं जो है हमें देखने को मिलती है भारतेंदु काल में। बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ये सारे के सारे जो लोग हैं, भारतेंदु स्वयं, भारतेंदु ये सारे के सारे लोग जो है समस्या पूर्ति में एक्सपर्ट लोग थे और ये सारे के सारे कवि भारतेंदु मंडल के सदस्य भी रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन लोग हैं इस सदस्य में। जो लोग भारतेंदु की साहित्यिक रचना से प्रभावित थे, प्रेरित थे, उनकी प्रतिभा को जानते थे, पहचानते थे, ऐसे साहित्यकारों का एक जत्था, एक समूह, एक ग्रुप जो है वो भारतेंदु मंडल कहलाता था। इन लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी, राय कृष्णदास, ये प्रमुख लोग थे। ये भारतेंदु के समकालीन लोग हैं जो भारतेंदु मंडल के सदस्य भी हैं और भारतेंदु से बहुत ज्यादा प्रेरित और प्रभावित रहे हैं। यही लोग भारतेंदु मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन कौन लोग है देखिए, खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है, प्रताप नारायण मिश्र है, राधा कृष्ण दास है, अंबिका दत्त व्यास है और ठाकुर जगमोहन सिंह, ये मुख्य मुख्य भारतेंदु मंडल के सदस्य हैं। इसके अलावा जो नाम बच जाते हैं जिनको ऊपर लिखा है, एक है राय कृष्ण दास,
राय उपाधि हुआ करती थी, आपको पता है अंग्रेज लोग राय की उपाधि दिया करते थे, राय कृष्णदास, और कौन बच गया, बालकृष्ण भट्ट। राधा चरण दास, राधा कृष्ण दास आ गए, राधा चरण दास एक और हैं, इनके नाम नोट कर लीजिएगा। और ये लगभग वो लोग हैं जो काशी और काशी के आसपास रहते थे, और इनकी बैठक मंडलियां हुआ करती थी, काव्य गोष्ठियां हुआ करती थी भारतेंदु के साथ। भारतेंदु मंडल में अधिकांश वही लोग जो है शामिल हुआ करते थे, या उन्हीं लोगों को भारतेंदु मंडल में शामिल किया गया है। तो इन लोगों का नाम याद रखिएगा आप, 7, 8, 9, ये 9-10 लोग थे जो भारतेंदु युग के बड़े कवि हैं, अपनी अलग पहचान बनाते हैं, भारतेंदु की तर्ज पर कविता करते हैं, उनके सुझाए विषयों पर कविता करते हैं, उनकी दी हुई समस्या पूर्ति पर आधारित कविता करते हैं। और ये भारतेंदु मंडल के एक तरीके से अद्भुत नक्षत्र है जो साहित्यिक गरिमा को और आगे बढ़ाते हैं, मध्यकाल की धारा से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अलग करने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे लगभग लगभग ब्रज भाषा में ही रचना करते हैं, लेकिन बात जब गद्य की आती है तब ये खड़ी बोली का भी प्रयोग करने लगते हैं। आप में से कोई बताएगा, इन लोगों में से ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने खड़ी बोली का भरपूर इस्तेमाल करते हुए रचनाएं की है, ज्यादातर गद्यात्मक रचनाएं की है। सबसे पहले तो भारतेंदु खुद है, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र है, जिनके बहुत सारे निबंध आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद अंबिकादत्त व्यास ने भी कुछ निबंध इत्यादि लिखे हैं, राधा कृष्ण दास की भी कुछ कहानियां इत्यादि देखने को मिलती है, नाटक है, कहानियां हैं। और इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने भी खूब सारे निबंध लिखे हैं। सर, हाँ सर, इन्होंने तो जितने भी भारतीय मंडल के सदस्य हैं, हाँ उन्होंने तो सर जो गद्य की भाषा है सर, उसको तो सर खड़ी बोली रखा, और जो सर काव्य था उसको उन्होंने ब्रज भाषा में रखा। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं, कविता उस कविता भारतेंदु काल में ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। कविता की भाषा कब बदली है, द्विवेद युग के शुरुआती समय में भी ब्रज भाषा ही हावी थी, ब्रज भाषा का ही प्रयोग कविता रचना के लिए किया जाता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के बाद में जब उसका प्रभाव बढ़ गया, उसका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत हुआ थोड़ा सा, तब द्विवेदी जी ने आग्रह किया कि क्यों न कविता और कहानी की, या फिर जितनी भी गद्य की विधाएं हैं, उन सब की एक ही भाषा बनाई जाए, यानी कि खड़ी बोली में ही कविता की जाए, ये आग्रह किया था उन्होंने। और इस आग्रह को कुछ छोटे कवियों ने जरूर स्वीकार कर लिया था, लेकिन बड़े कवि जो बड़े नाम थे उस समय में, उन लोगों ने इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कविता के लिए तो ब्रज भाषा ही उपयुक्त है, आप खड़ी बोली में, जो कि इतनी कर्कश है और इसी वजह से उसका नाम भी है खड़ी बोली, वहां पर आपको मधुरता नहीं नजर आएगी, वहां पर आप जो है अपना वर्ण्य विषय ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, न ही उसका कोई काव्य शास्त्र पहले से विदित है, ऐसे में आप जो है उसको कैसे भाषा काव्य भाषा बना सकते हैं। इसका विरोध भी चला लंबे समय तक, और जब नए कवियों को द्विवेदी जी ने आकृष्ट किया इस तरफ, साहित्य रचना करने के लिए प्रेरित किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो उनमें मैथिली शरण गुप्त प्रमुख थे, बाकी लोग भी थे लेकिन गुप्त सबसे प्रमुख थे। उन्होंने पहले तो छोटे स्तर पर कविताएं लिखकर दिखाई, मुक्तक टाइप की कविताएं, और वो उनकी चल पड़ी, काफी ज्यादा उनकी प्रशंसा हुई। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या इसमें खंड काव्य या महाकाव्य जैसी कोई रचना की जा सकती है, तब गुप्त जी ने जो है भारत भारती जैसी रचना की और साबित कर दिया कि खड़ी बोली में भी वो सामर्थ्य है जो ब्रज भाषा में है, खड़ी बोली की कविता भी उतनी ही प्रभावी और उतनी ही मधुर हो सकती है, उतनी ही सरस हो सकती है, उतनी ही रस प्रदायक हो सकती है जितनी की ब्रज भाषा है। अब इसके बाद एक ढर्रा बदलता है, अब ज्यादातर कवि जो अभी तक खड़ी बोली के हिमायती नहीं भी थे, वो लोग भी खड़ी बोली का इस्तेमाल काव्य भाषा के लिए करने लगे थे। भारतेंदु काल में कविता लगभग लगभग ब्रज भाषा में ही हुई है, और विषय के स्तर पर भी कोई बहुत बड़ा नयापन नहीं आया। हाँ, कुछ
कुछ चीजें उसमें जुड़ी है, जैसे रामविलास शर्मा उसको पुनर्जागरण काल से जोड़ देते हैं, तो वहां उसका प्रभाव देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर जो है उनका साहित्य जनवादी साहित्य बनता है। संभवतः तो वो विषय को लेकर के प्रयोग कर रहे हैं, संभवतः तो वो अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से संभवतः तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी रही है, उस समय अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा था उसके खिलाफ कुछ कवियों की आवाज मुखर हुई और उन्होंने अपनी काव्य की काव्य का वर्ण्य विषय जो था वो इस तरीके का बनाया कि उसमें मास कम्युनिकेशन की क्षमता भी पैदा हो, और वैसा ही विषय उन्होंने चयन किया जो बड़े स्तर पर बहुत बड़े समूह को प्रभावित कर सकता है। क्लियर? खड़ी हाँ सर बोल। जी, हाँ एक बात सर वैसे जानकारी के लिए बताना चाहते हैं। जो प्रताप राणा मिश्र और राधाचरण गोस्वामी थे सर, इन लोगों ने खड़ी बोली का बहुत विरोध किया था सर काव्य में। ये लोग सोचते सर ब्रजभाषा ही काव्य का आधार रहे। भारतेंदु मंडल के लगभग सभी लोगों ने किया है। लोग सोचते सर बाद में उर्दू में बदल जाएगी, जो हमारी खड़ी बोली में अगर कविता होने लगेगी बाद में उर्दू में रूपांतरित हो जाएगी। उनको ये डर था एक तरीके का, हाँ सर, और डर होना लाजमी भी है ना। और ये भी है, भारतेंदु बार बार इस बात का जिक्र क्यों करते हैं अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से, कि भाषा बहता नीर है, वो बदलना चाहती है तो उसको बदलने दो, आप नहीं रोक सकते। नदी का मोड़ कोई रोक सकता है? नदी का मुहाना कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी ने कोशिश की तो उससे तबाही होगी। भाषा को भी आप अगर बांधने की कोशिश करोगे तो वो अपने विकृत रूप में चली जाएगी, उसका रूप बिगड़ जाएगा। बार बार भारतेंदु हरिश्चंद्र इस बात का जिक्र करते हैं, कभी निबंधों में करते हैं, कभी जो लेख प्रकाशित हुए थे उनके उनमें करते हैं, कभी किसी पुस्तक की भूमिका में करते हैं, बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं। भारतेंदु मंडल के लोग खुद नहीं चाहते थे कि कवि तक ध्यान से सुनना, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना दिमाग में। कविता की भाषा ब्रज भाषा हो, लेकिन गद्य की भाषा आप खड़ी बोली रखें तो हमें कोई परहेज नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आई? और ये लगभग ऐसे कवि हैं जो 1857 के बाद पैदा हुए या 1857 की क्रांति के आसपास इनका साहित्यिक जीवन में प्रवेश रहा है और उनका जन्म भी उस समय रहा है, और उस समय धीरे धीरे करके माहौल बनने लगा था खड़ी बोली का, क्योंकि विचार प्रधान भाषा है, विचारों का निर्वाह करती है, विचारों को आगे बढ़ाने में ये भाषा उतनी ही सक्षम है जितनी दूसरी भाषाएं नहीं है। जो काव्य भाषाएं हैं वो विचारवान भाषाएं नहीं बल्कि वो भाव प्रधान भाषाएं हैं। इस वजह से इस खड़ी बोली की आवश्यकता महसूस हुई और इसका प्रयोग संपर्क भाषा के तौर पर स्थापित करने के लिए होने लगा था। धीरे धीरे करके ये अपना रूप बदलती है, रूप बदलती है, और उसके बाद में उसके परिवर्तन की गुंजाइश इतनी कर दी जाती है कि उसका एक व्याकरण निश्चित किया जाता है, उसका एक स्वरूप निर्धारण किया जाता है, उसको राजभाषा का दर्जा मिलता है, वो राष्ट्रभाषा की पदवी तक पहुंचती है, और इस तरीके से वो विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में भी अपना स्थान बना लेती है। ये एक आंदोलन था जिसको चरेबेती चरेबेती वाली धारणा पर चलाया गया था, बस चलते रहो चलते रहो, क्या कुछ परिवर्तन होता है, क्या हिंदी का रहता है, क्या खड़ी बोली का रहता है, क्या ब्रज भाषा का रहता है, क्या अवधी का रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस चलते रहो। परिवर्तन की गुंजाइश जहां जहां नजर आई वहां वहां हिंदी ने अपने आप को परिवर्तित किया, समय समय पर अपडेट किया, और इसी वजह से वो विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं की सूचियों में शामिल होती है। क्लियर? द्विवेदी युग में जाकर के ये काव्य भाषा के रूप में भी स्थापित हो जाती है। हालांकि विरोध तब भी हो रहा था, ऐसी बात नहीं है कि उस समय विरोध नहीं हो रहा था कि काव्य भाषा के रूप में आप खड़ी बोली का इस्तेमाल कर रहे हो वो गलत है, उससे जो है नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, बल्कि जिन चीजों का डर था रचनाकारों को या फिर जो भी विद्वत जन थे उनको डर था कि अगर खड़ी बोली को काव्य भाषा बना लिया जाएगा या खड़ी बोली को अगर कविता की भाषा बना लिया जाएगा तो उससे सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ेगा, कविता में और कहानी में अंतर कहाँ रहेगा? क्योंकि जब दोनों ही बात, दोनों ही विधाएं, दोनों ही स्वरूप है जो काव्य के, वो जब विचारवान भाषा को निर्वाह करते हुए दिखेंगे तब भावों को क्या वो अभिव्यक्त कर पाएगी उतने अच्छे तरीके से? पर कहीं कहीं पर हमें ऐसी दिक्कत होती है, महसूस होती है, वो प्रवाह है ना, वो खड़ी बोली में लाया जाना बहुत दुष्कर काम है। एक कवि अगर हद से ज्यादा प्रतिभावान है, बहुत ज्यादा प्रतिभावान है, और वो लगातार अभ्यास में रत है, उसको प्रवाह
अच्छी व्युत्पत्ति है, ऐसी स्थितियों में भी मैं ही वो क्या कर सकता है, खड़ी बोली की का काव्य भाषा के रूप में अच्छा प्रयोग कर सकता है। समकालीन कवियों को देखिए, आज के कवियों को देखिए, क्या दिनकर जैसी कोई रचना करता है, क्या गुप्त जी जैसी कोई रचना करता है, माखनलाल चतुर्वेदी जैसी कोई रचना करता है, इनकी भाषा जो है या इनकी जो कविता है वो गद्यात्मक काव्य क्यों बन गई है, क्योंकि अभ्यास के स्तर पर ये लोग कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, कहीं ना कहीं चूके हैं और इस वजह से वो थोड़े पीछे जाते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए, नीरज एक गीतकार रहे हैं, उनकी उनकी भाषा देखिए, खड़ी बोली का ही प्रयोग करते हैं, उनकी भाषा देखिए और एक आप समकालीन कोई भी कवि की, मान लीजिए उदय प्रकाश की कोई कविता की पंक्तियां उठा के देख लीजिए, ऋतुराज की कोई पंक्तियां उठा के देख लीजिए, मंगलेश डबराल की कोई पंक्तियां उठा के देख लीजिए, अंतर है ना दोनों में, प्रवाह का अंतर है। छंद न होते हुए भी उसमें कोई ना कोई, नीरज की रचनाओं में, नीरज के गीतों में कोई ना कोई छंद विद्यमान रहता है, वो काव्य भाषा बन जाती है और दूसरी तरफ ये गद्य भाषा बन जाती है। ये एक कवि के प्रतिभा पर, उसके अभ्यास पर, उसकी व्युत्पत्ति पर निर्भर करता है कि वो खड़ी बोली का प्रयोग किस तरीके से कर सकता है, या वो काव्य भाषा के तौर पे करता है या फिर वो सॉरी पद्य भाषा के तौर पर करता है या काव्य में गद्य काव्य के तौर पे वो उसको स्थान देता है। ये लगातार एक तरीके से एक चर्चित विषय रहा है, काव्य भाषा के तौर पे खड़ी बोली को स्वीकार करना या ना करना किस हद तक सही है। क्लियर। भारतेंदु हरिश्चंद्र मंडल के सदस्यों के नाम जरूर याद रखिएगा, ये नाम नोट कर लीजिएगा। अन्य कवियों में रामकृष्ण वर्मा, श्रीनिवास दास, लाला सीताराम, ये लाला श्रीनिवास दास ही है, ठीक है, और कोई नहीं है। राय देवी प्रसाद, राय मुंशी देवी प्रसाद के नाम से भी कई जगह पर आपको यह नाम देखने को मिलेगा। बाल मुकुंद गुप्त, जिन्होंने बेहतरीन निबंध लिखे, नवनीत चौबे आदि प्रमुख हैं। ये भी भारतेंदु काल के ही अन्य कवि हैं। भारतेंदु मंडल के सदस्यों के नाम आपको पहले बताए हैं और अब जो है इस काल के अन्य मुख्य रचनाकार आपके सामने हैं। ध्यान रखना ये सिर्फ कवि नहीं है, कवि के साथ साथ ये गद्यकार भी हैं, यानी कि गद्य रचनाएं भी ये लोग किया करते थे, काव्य रचनाएं तो करते ही थे। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को। और इन लोगों में से, इन लोगों में से एक सेकंड, बिल्कुल, इन लोगों में से कुछ ऐसे लोग थे जो समस्या पूर्ति में अपना नाम काफी हद तक विख्यात कर चुके थे, जैसे अंबिकादत्त व्यास है जो भारतेंदु मंडल के सदस्य हैं, भारतेंदु खुद है, बद्रीनारायण चौधरी है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, ये लोग समस्या पूर्ति में काफी हद तक भारतेंदु के समकक्ष रहे हैं। धीरे धीरे करके समस्या पूर्ति वाला काव्य जो है वो पिछड़ गया और अब कविता जो है मार्मिक प्रसंगों पर लिखी जाने लगी, साथ ही साथ उस समय के तत्कालीन सामाजिक विषयों पर भी कविता लिखी जाने लगी। और उस समय का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, आजादी प्राप्त करना, देश की आजादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था, स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, उसके हितार्थ कुछ करना, ये उस समय का सबसे बड़ा मुद्दा था जो भारतेंदु युग की कविताओं में, जो उत्तर काल है भारतेंदु युग का, उस समय की कविताओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अंग्रेजों की जो सामंतवादी नीति थी, उस नीति का, साम्राज्यवादी नीति थी, उस नीति को भी जो है भारतेंदु युग के कवियों ने काफी हद तक अपने काव्य में जो है विरोध करते हुए दिखे हैं वो। चलिए,